हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल द होम मिनिस्टर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज की एक नाश्ता रेसिपी है, ये हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। हम बनाएंगे आज मेथी मसाला पूरी। इसे आप सुबह के नाश्ते में बनाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए। एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है जो बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम आटा लगाएंगे। तो एक बर्तन में मैं यहाँ पर एक कटोरी भरकर गेहूं का आटा ले रही हूँ और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी मक्के का आटा। अगर मक्के का आटा नहीं है फ्रेंड्स तो आप बेसन भी मिला सकते हैं। तो आधा कटोरी के आसपास मैंने मक्के का आटा डाला है और इसमें अब मैं मेथी काट कर डाल रही हूँ। करीबन एक मुट्ठी मैंने मेथी भाजी ली है जिसे अच्छी तरह से धोकर छोटे टुकड़ों में बारीक काट लिया है। इसे भी आटे में मिला लेंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसकी जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। नमक मिला लेंगे स्वाद के अनुसार। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़े से अजवाइन के दाने डाल रही हूँ। अजवाइन डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छी होती है। थोड़ी सी अजवाइन मिला लीजिए। लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। करीबन आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर मिला रही हूँ और मैं यहाँ पर भुना हुआ जीरा पीस कर यूज कर रही हूँ। साबुत यूज नहीं कर रही हूँ ताकि ये दांतों में ना आए। तो बस आधा चम्मच इसमें भुना हुआ जीरा मिला लेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आधा चम्मच इसमें चाट मसाला मिला लेंगे और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल रही हूँ मैं। तो ये एक छोटा चम्मच मैंने चीनी डाल ली है और दो टेबलस्पून भरकर इसमें हम घी डालेंगे। तो आप पिघला हुआ घी या फिर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसका आटा लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे गूंथते जाना है। पानी आप जरूरत के हिसाब से मिलाइए और ये हमारा आटा लगभग तैयार है। अच्छी तरह से गूंथ लिया ऐसे मैंने फ्रेंड्स। जिस तरह हम रोटी चपाती के लिए आटा लगाते हैं बस उसी कंसिस्टेंसी में रखना है। तो चलिए अब इसे हम बेल लेंगे। ये मैंने आटे का एक पेड़ा ले लिया है और इस पर हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और फिर इसे बेलेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा तेल डालकर इसकी मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। बहुत ज्यादा पतला नहीं बेला है, थोड़ा सा मोटा ही रखा है इसे। अब कोई भी कटोरी ले लीजिए, थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए ये। तो देखिए, ये थोड़ी सी नुकीली है ऊपर से। तो इस कटोरी से हम सारी पूरियां काट लेंगे। और ये देखिए, सेम साइज में हमारी सारी पूरियां बन गई है। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल भी गर्म हो चुका है तो बस इसे अब हमें तल लेना है और एकदम गोल्डन होने तक इसे मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, सारी पूरियां सिक गई है। ऑयल से निकालकर एक पेपर नैपकिन पर रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये डीप फ्राई करके नहीं खाना है तो दूसरा तरीका जो है, हम इसके पराठे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसे बिना डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो मैंने इसकी ये रोटी बना ली है और इसमें हम थोड़ा सा घी लगाकर इसे सेक लेंगे। तो बस हल्का सा घी लगा लीजिए और दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीके हैं। आप डीप फ्राई करके भी रख सकते हैं या फिर इसे पराठे की तरह भी सेक सकते हैं। दोनों ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे सफर में ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या फिर इसे ऑफिस लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर कोई भी चटनी बना सकते हैं। चटनी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था आटे से बना हुआ दो तरीके का नाश्ता। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।